राजस्थान दिवस एवं थार महोत्सव 2022 आयोजित करने और तिथियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस जंबो बैठक में आखिरकार बाड़मेर में एक फिर से थार महोत्सव मनाने पर सहमति बनी। 28 मार्च से 3 दिवसीय राजस्थान दिवस व थार महोत्सव मनाया जाएगा। करीब 9 वर्षों बाद हो रहे थार महोत्सव का आगाज 28 मार्च को शोभा यात्रा के साथ होने के साथ मिस्टर थार, मिस थार, साफा, ऊंट दौड़, मूछ, काव्य पाठ, क्रिकेट प्रतियोगिता, सेलिब्रिटी नाइट सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। थार महोत्सव की सौगात मिलने जा रही है। तत्कालीन जिला कलेक्टर वीणा प्रधान के कार्यकाल में आयोजित हुए थार महोत्सव के बाद अब इस अनिश्चितकालीन विराम लग गया था। अब 9 साल बाद यह फिर से शुरू होगा। जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में 3 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत की घोषणा हुई, जिसमें बाड़मेर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजस्थान में सीमावर्ती बाड़मेर जिले के कला और संस्कृति के जीवंत प्रतीक के रूप में आगामी 28 मार्च से आयोजित थार महोत्सव में इस बार थार श्री, थार सुंदरी के अलावा मिसेज थार प्रतियोगिता भी होगी। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में 3 दिवसीय थार महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों और संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। 28 मार्च से 3 दिवसीय थार महोत्सव और राजस्थान दिवस का आयोजन एक साथ होगा। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव इस आयोजन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में लिए गए इस फैसले को जिले भर के कला संस्कृति के प्रेमियों और बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रमों का आगाज 28 मार्च को प्रातः 8 बजे आकर्षक शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। गांधी चौक से आदर्श स्टेडियम तक आयोजित होने वाली शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट, घोड़े, कलाकारों के जत्थे, गैरदल सहित मिस्टर एवं मिस थार के प्रतिभागी शामिल होंगे। शोभा यात्रा में आदर्श स्टेडियम पहुंचने पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें साफा बांध, ऊंट सिंगार, ढोल वाहन, गैर नृत्य, मूछ प्रतियोगिता, रस्सा खसी, दंपति दौड़, दादा पोता दौड़, मिस्टर एवं मिस थार सहित विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं शामिल है। जो 28 मार्च को तिलवाड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस पशु मेला है, उसी के साथ हम राजस्थान दिवस को ख़त्म करेंगे थार महोत्सव। थार महोत्सव की शुरुआत होगी तिलवाड़ा मेले के साथ और राजस्थान दिवस को हम 30 तारीख को इसका समापन करेंगे। काफ़ी समय बाद ये हम कर रहे हैं, तो जो अधिकारियों की मीटिंग आज ली है और विभिन्न जो NGOs हैं, जो यहाँ पे कंपनीज हैं, ताकि उनका भी सहयोग मिल सके, BSF, आर्मी और जो भी इसमें सहयोग करना चाहे, उन सबको लेकर आज हमने एक विस्तृत चर्चा की है। कुछ टेंटेटिव हमने कार्यक्रम इसका फाइनलाइज किया है। जो कल्चर के जो भी एस्पेक्ट होते हैं, चाहे यहाँ की वेशभूषा हो या यहाँ का लोक संगीत हो, गाना हो, नृत्य हो, खाना हो, या यहाँ का आर्टिजन्स का वर्क हो, उस सबको किस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं और बाड़मेर और मारवाड़ का जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको किस तरह से हम कंजर्व और प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसी के अराउंड हमने ये थीम रखी है। वहीं दोपहर में तिलवाड़ा में राज्य स्तरीय विख्यात श्री मलिनाथ पशु मेले का झंडारोहण किया जाकर सांस्कृतिक आयोजन में पशु पालनों से वार्ता होगी। आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। रात्रि में आदर्श स्टेडियम में ही कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें ख्यातनाम कवियों द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। 29 मार्च को प्रातः स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के मध्य प्रगति के पद पर राजस्थान विषय चित्रकला, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता और आदर्श स्टेडियम में राजस्थान विकास उद्योग हस्तशिल्प प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दोपहर में प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा बाड़मेर गुडाल रेस्टोरेंट में जायको राजस्थान रो का आयोजन होगा। इसी कड़ी में साय को शहीद भगत सिंह स्टेडियम बालोतरा में सेलिब्रिटी नाइट तथा रात्रि 8 बजे धोला आकड़ा बाड़मेर में पारंपरिक कलाकारों द्वारा पाबूची की पड़ का प्रदर्शन किया जाएगा। 30 मार्च को प्रातः गांधी सर्किल नेहरू नगर महावीर नगर उत्तलाई तक बाइकर्स रैली, BSF, राजस्थान पुलिस एवं एयरफोर्स, NCC और आम जन द्वारा मैराथन दौड़, पारंपरिक खेल कबड्डी, खो खो व युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं दोपहर को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में गणगौर घुड़ला मांडला प्रतियोगिता के साथ साय 7 बजे आदर्श स्टेडियम में ख्यातनाम लोक कलाकारों द्वारा कालबेलिया घूमर भवाई 13 ताली सूफियाना गायन लोकगीत एवं भावे सांस्कृतिक संध्याओं आतिशबाजी के साथ 3 दिवसीय महोत्सव का समापन होगा।